The next in Sharpe portfolio query, so we are doing a, what are the applications? Applications means usage of a Sharpe theory. Means how we can apply this theory in some other fields. So first is, with the help of Sharpe theory, we can determine expected return on portfolio. Which is also called required return. जैसे मैं कैपिटल मॉडल में देखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो एंड दिस इज एज पर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कैपम को एज पर कैपम को आपकी जो रिक्वायर्ड रिटर्न या ईआरआई जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न सिक्योरिटी, तो उसका बेसिक फार्मूला होता है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा ऑफ इक्विटी इक्वल आरएम माइनस आरएफ। तो इसी फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं टू डिटरमिन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। तो अब देखिए क्या चेंज आएगा उसमें, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, बस सिर्फ आपको बीटा जो है वो पोर्टफोलियो का यूज करना है। तो आपका बेसिक फार्मूला बन जाएगा रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इनको आर एम माइनस आर एफ। तो बीटा हमने किया ही था, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो जिसे ये वेटेड बीटा ऑफ ऑल सिक्योरिटीज, तो इसका फार्मूला था बीटा ऑफ ईच सिक्योरिटी इनटू वेट ऑफ ईच सिक्योरिटी एंड इट्स समेशन पोर्टफोलियो बीटा। तो इससे आपके रिक्वायर्ड रिटर्न आ जाएगी पोर्टफोलियो की। तो एक्चुअल रिटर्न हमने देखी थी। अगर सेकंड एप्लीकेशन आती है, अब आपको एक ये होता है इन्वेस्टर का एक पोर्टफोलियो है और वही पोर्टफोलियो मार्केट में अवेलेबल है। इट मीन्स इन्वेस्टर पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूट्स मार्केट पोर्टफोलियो। इसका मतलब होता है कि मार्केट के पोर्टफोलियो में, मार्केट पोर्टफोलियो क्या होता है, जो इंडेक्स होता है मार्केट इंडेक्स, जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम भी हमारे पास दो इंडेक्स हैं, सेंसेक्स है और एक है निफ्टी। अब जो सेंसेक्स है ये एवरेज प्राइस बताता है हमें 30 शेयर्स का और निफ्टी चलता है हमारा एवरेज प्राइस वो 50 शेयर्स। तो एक तरीके से ये पोर्टफोलियो है हमारा 30 शेयर का जिसको कहते हैं मार्केट पोर्टफोलियो। तो कई बार क्या होता है वो जो मार्केट में पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज हैं वो सारी सिक्योरिटी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में है। तो हम कहते हैं कि इन्वेस्टर पोर्टफोलियो जो है जैसे इक्विवेलेंट टू मार्केट पोर्टफोलियो। तो इसका मतलब होता है कि ऑल सिक्योरिटीज इन मार्केट पोर्टफोलियो तो आर हेल्ड बाय इन्वेस्टर, वो सारी सारी इन्वेस्टर के पास है। सो इन हिज पोर्टफोलियो को उस केस में अब जो पोर्टफोलियो की रिटर्न आप कैलकुलेट करोगे तो वही आपके मार्केट की रिटर्न आ जाएगी। तो उसका एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है कि हम देखते हैं कैसे रिटर्निंग करेंगे। तो उस केस में जो को आपको इस टाइप से अब पोर्टफोलियो मिलेगा, इधर सिक्योरिटीज है आपके पास जितनी भी मार्केट में गई हैं जैसे 1 से 2 up to n सिक्योरिटीज, और उन्होंने ये कंडीशन दे दी है कि जो आपके मार्केट पोर्टफोलियो है यही आपका इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है। ये कंडीशन है ऑल सिक्योरिटीज इन मार्केट पोर्टफोलियो आर हेल्ड बाय इन्वेस्टर आल्सो इन हिज पोर्टफोलियो। ये सिक्योरिटीज है और उनका इनको करंट प्राइस है, डिविडेंड कितना मिलेगा, प्रीवन कितना मिलेगा। तो इसका ये टोटल करते हैं वो हमारी टोटल मार्केट बन जाएगी। इट मीन इसका जो टोटल है इसको कहते हैं मार्केट, ये ओवरऑल मार्केट बन गई आपकी। तो देखिए P0 कर दो समेशन, ये पूरी मार्केट का प्राइस आ जाएगा, टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा है मार्केट में और टोटल कितना प्राइस है आपके 1 बिलियन। अब हमने किया था यदि आपको हर सिक्योरिटी की रिटर्न निकालनी है आर आई, इसका फार्मूला ये था आर आई इक्वल टू बी वन प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0। तो यदि आप देखें टोटल प्राइस मार्केट में सारे पोर्टफोलियो का टोटल डिविडेंड टोटल प्राइस आपके बन फिर उससे आ जाएगी रिटर्न ऑफ मार्केट। तो एक नया फार्मूला बन गया हमारा आरएम का, उसका फार्मूला है सम्मेशन ऑफ डिविडेंड प्लस सम्मेशन ऑफ P1 माइनस सम्मेशन ऑफ P0 अपॉन सम्मेशन ऑफ P0। ये आपकी रिटर्न आ जाएगी मार्केट की। और कैपम के लिए अब देखिए आरएम मिसिंग है तो आप आरएम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसका अब पोर्टफोलियो की रिटर्न क्या है तो ये तो उसका जब टोटल करोगे वो को आगे मार्केट की रिटर्न। अब आपको निकालनी है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, उसका फार्मूला यही है, आपको रिटर्न लेनी है हर सिक्योरिटी की और उसको वेट से भी मल्टीप्लाई करना है और इसका समेशन वेट हमें दिया होता है। अगर भाई हम वेट लिखें जो आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं हर सिक्योरिटी में वो आपका वेट माना जाता है। तो अभी पहले हम फार्मूला डिस्कस करें एप्लीकेशन फिर एग्जाम्पल भी देखेंगे। नंबर 3 देखिए, अब कई बार होता है आपके मार्केट पोर्टफोलियो में दो ही सिक्योरिटीज हैं और वही दोनों सिक्योरिटीज हमारे पोर्टफोलियो में भी है। सो मार्केट जो पोर्टफोलियो so have two securities and इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो है एंड इन्वेस्टर पोर्टफोलियो so also constitutes or also includes so only these two securities। यही दो सिक्योरिटीज मार्केट में है और वही दो सिक्योरिटी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में है। उसमें देखिए कुछ स्पेसिफिक देखो फार्मूला क्या बनेगा उसमें। तो सबसे पहले को आपके पास अब सिक्योरिटी रहेगी दो, इसका टोटल किया तो ये बन गई आपकी मार्केट। मार्केट में समेशन ऑफ P0 समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P1 उससे रिटर्न भी आ जाएगी हर सिक्योरिटी की, मार्केट की रिटर्न वो तो सेम ही रहेगी आपकी, पोर्टफोलियो की रिटर्न भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है अब आपको दोनों सिक्योरिटीज का रिस्क भी दिया है। रिस्क क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच सिक्योरिटी और एक आपको फिर दोनों सिक्योरिटीज का कोवेरिएंस भी दिया है 1 और 2 का। अब आपको निकालना है कि इस पोर्टफोलियो का रिस्क क्या है। हमारी कंडीशन क्या है, मार्केट पोर्टफोलियो में दो सिक्योरिटीज हैं एंड बोथ सिक्योरिटीज आर इन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो। तो इस केस में जो पोर्टफोलियो का रिस्क आएगा दैट इज इक्वल टू मार्केट रिस्क, राइट। तो यही केस चला रहे हैं हम थर्ड केस में। तो इट मीन्स अब पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकालोगे आप, अब दो ही सिक्योरिटीज हैं तो इसका फार्मूला है हमारा रिस्क ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी तो उसका वेट, रिस्क ऑफ सेकेंड सिक्योरिटी एंड इट्स वेट प्लस फिर दोनों का आ जाता है आपका इंटरेक्टिव रिस्क दोनों सिक्योरिटीज का 2 टाइम्स को वेरियंस और 1 × 2 इनटू वेट कोवेरियंस दिया है आपको। अब इसके थ्रू आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज चलो विलियम शार्प के लिए हमें चाहिए बीटा दोनों सिक्योरिटीज का। बीटा का ये फार्मूला होता है बीटा ऑफ आई सिक्योरिटी इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ आई सिक्योरिटी मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। तो आपके पास देखो वेरियंस हो आ गया मार्केट का जो पोर्टफोलियो का रिस्क है। अब हमें कोवेरियंस निकालना है आई का एम के साथ, तो इसमें पहले निकालेंगे 1 का एम के साथ कोवेरियंस ऑफ 1 विद एम। तो एम क्या है मार्केट क्या है, ये दोनों का कंबाइन कर दोगे तो वही मार्केट है आपकी। उसका भी एक फार्मूला है तो एक को में देखो 1 की वेरिएशन चाहिए तो आप लीजिए वेरियंस ऑफ फर्स्ट और उसका वेट, फिर आपने लेना है कोवेरियंस ऑफ 1 और 2। यही देखो मार्केट का वेरियंस है क्योंकि जो 1 और 2 सिक्योरिटी है वही पोर्टफोलियो में है इन्वेस्टर के वही मार्केट में है, ये मार्केट का कोवेरियंस है। अब उसमें देखो हमने 1 का को ले लिया अब लेना है मार्केट का तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इनटू वेट ऑफ सेकेंड। तो फर्स्ट सिक्योरिटी का कितना वेरियंस है और दूसरी का कितना प्रपोर्शन है उनको मिला के बन जाएगा 1 का मार्केट के साथ आ गया ये। तो ऐसे आप लगा सकते हो कोवेरियंस ऑफ सेकंड विद मार्केट, उसमें हम लेंगे सेकंड का वेरियंस और उसका वेट प्लस यहाँ लेंगे कोवेरियंस और 1 और 2। अब लेंगे वेट ऑफ फर्स्ट, ये सेकंड का अपना वेरियंस है और 1 का है मार्की के साथ, तो ये बन गया आपका सेकंड का मार्की के साथ। अब बीटा निकाल सकते हो आप, तो बीटा का इनको फार्मूला क्या बनेगा, तो बीटा ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी, हमें कोवेरियंस चाहिए क्या फर्स्ट का मार्की के साथ, वो आ गया आपको कोवेरियंस ऑफ 1 बिग M, इसको डिवाइड कर दो वेरियंस ऑफ M, मार्की का वेरियंस, ऐसे बीटा को आ जाएगा कोवेरियंस ऑफ 2 बिग M अपॉन वेरियंस ऑफ मार्की। ये दोनों के बीटास भी आ गए आपके पास। अब आपको मेन निकालना है। अब एक तो कोवेरियंस का देखेंगे और फार्मूला क्या था आपका, देखो कोवेरियंस का हमने फार्मूला किया था ऑफ 1 और 2 सिक्योरिटीज, तो कोवेरियंस का फार्मूला क्या, कोरिलेशन ऑफ 1 और 2 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2। इसलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर रहे हैं और उनका कोरिलेशन। एक और फार्मूला आता है हमारे पास कोवेरियंस का, जैसे कि वो है बीटा 1 बीटा 2 इनको, यहाँ था आपका कोरिलेशन, यहाँ लेंगे मार्की का वेरियंस, तो इससे भी आपका कोवेरियंस आ जाएगा 1 और 2 का। उनको पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वेरिएशन है 1 और 2 की, ये भी वेरिएशन होती है मार्की के साथ, ये टोटल मार्की की वेरिएशन है, ये दोनों का आपस में कोरिलेशन है, ठीक है। तो ये अब इसको डिराइव करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो बस कोवेरियंस 1 और 2 आपको जरूरी नहीं है, इसके थ्रू निकालो, ये कोरिलेशन नहीं किया, बीटा 1 निकाला, बीटा 2 निकाला, मार्की का वेरियंस है, उसके थ्रू आपका कोवेरियंस आ जाएगा। चलो वेरीफाई करते हैं ये क्या ये फार्मूला करेक्ट है हमारा, ये जो हम लिख रहे हैं। तो देखो कोवेरियंस का फार्मूला क्या होता है 1 और 2 का, इसका फार्मूला होता है R1 माइनस मीन R1 इनटू R2 माइनस मीन R2 उसका समेशन अपॉन N। ये बताता है एवरी वेरिएशन 1 और 2 की। अब देखो बीटा 1 का फार्मूला क्या है, बीटा 1 का है कोवेरियंस ऑफ 1 बिग मार्केट, ये था आपका R1 माइनस मीन R1, ये कोवेरियंस बिग मार्केट के साथ है तो RM माइनस मीन RM उसका समेशन अपॉन बीटा का लिख रहा हूँ, जब आएगी मार्केट का वेरियंस, मार्केट वेरियंस है आपका RM माइनस मीन RM होल स्क्वायर का समेशन, ये भी जो को N से डिवाइड होगा ये भी वो कैंसिल हो जाता है। ऐसे बीटा 2 का फार्मूला, बीटा 2 का है R2 माइनस मीन R2 इनटू RM माइनस मीन RM अपॉन RM माइनस मीन RM होल स्क्वायर समेशन, इनको ये है मार्की वेरियंस विच इज सेम समेशन ऑफ RM माइनस मीन RM होल स्क्वायर अपॉन N। तो देखो कैंसिल करके हैं, तो ये आपका जो वेरियंस है ये तो इससे कैंसिल हो गया, एक RM माइनस मीन RM ये भी मल्टीप्लाई होकर इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास समेशन, ये बच गया R1 माइनस मीन R1, यहाँ बच गया आपका R2 माइनस मीन R2 डिवाइडेड बाय रह गया N, बचे गेस दिस इज कोवेरियंस। तो वेरीफाई हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला कोवेरियंस, ये दो ही फार्मूले हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट। तो भी क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए एक लास्ट पॉइंट रखेंगे, शार्प थ्योरी में और मार्कोविच थ्योरी में हमारे क्या डिफरेंसेस हैं। ये सारे आपके लेक्चर जो है यूट्यूब के ऊपर फ्री है टोटली। तो लेक्चर से मार्कोविच वर्सेस शार्प थ्योरी, मेन आपने देखा मार्कोविच थ्योरी जो है फोकल डिस्क को डिटरमिन करने में हेल्प करती है, फोकल रिस्क हम कैलकुलेट करके हैं इसमें पोर्टफोलियो का। शार्प ने पहली बार फोकल रिस्क को क्लासीफाई कर दिया है, मार्केट सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कितना है एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। एक मेजर डिफरेंस आता है, ये तो था बेसिक डिफरेंस की, इसने टोटल रिस्क डिटरमिन किया है, इसने रिस्क को क्लासीफाई कर गया है मार्केट और नॉन मार्केट रिस्क में। सेकंड डिफरेंस आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, आपको कितनी करनी पड़ती है नंबर ऑफ कैलकुलेशंस। तो जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, पोर्टफोलियो के रिटर्न निकालोगे, रिस्क, तो उसकी टोटल कैलकुलेशन आपकी कितनी है। तो मार्कोविट्ज़ में देखो, सपोज चलो अब आपके पोर्टफोलियो में एन सिक्योरिटीज़ हैं, एन सिक्योरिटीज इन पोर्टफोलियो, तो हम उसका जनरल फार्मूला बना रहे हैं। तो पहले आपको मार्कोविट्ज़ में हर एक की रिटर्न निकालोगे, तो रिटर्न आपको कैलकुलेट करनी है, और ई सिक्योरिटी उसकी एन कैलकुलेशन हो जाएंगे। फिर हर सिक्योरिटी का रिस्क निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी भी एन कैलकुलेशन। फिर जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे गोगो सिक्योरिटीज़ के, उनका निकालेंगे कोवेरियंस, इसको लिखेगा आई और जे। इसके कितने कॉम्बिनेशन थे, ये थे एन इनटू एन माइनस वन अपॉन टू। अब इसका टोटल कर रहे हैं, कितनी कैलकुलेशन बनी आपकी टोटल, तो एन प्लस एन टू एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। इसका ले लो एलसीएम, टू एन प्लस माइनस एन थ्री एन, एन कॉमन आ जाएगा। देन वी आर लेफ्ट विद एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू। इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है इस मॉडल में, मार्कोविट्ज़ में जितनी सिक्योरिटीज है। अब देखिए शार्प में, तो आपको इसमें भी रिटर्न कैलकुलेट करनी है हर एक की, रिस्क भी कैलकुलेट करना है हमने। अब इसमें एक चाहिए हमें बीटा ऑफ ई सिक्योरिटीज, तो इसकी भी एन कैलकुलेशन, हर सिक्योरिटी का बीटा कैलकुलेट करेंगे। और एक इसमें होता है मार्केट इंडेक्स, तो उसकी रिटर्न भी कैलकुलेट करके हैं और उसका रिस्क भी कितना है मार्केट में। तो इसमें मार्केट इंडेक्स होगी दो कैलकुलेशन, तो एक होगी आपकी मार्केट की नंबर ऑफ कैलकुलेशन टू, तो टोटल कैलकुलेशन बन गई थ्री एन प्लस टू। तो अब देखो जैसे जैसे पोर्टफोलियो में सिक्योरिटी बढ़ती जाएंगी ना, तो आपके मार्कोविट्ज़ में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो शार्प मॉडल हमारा सुटेबल हो जाता है। जैसे एग्जांपल लिखनी है, अब सपोज चलो आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ सिक्योरिटी है आपकी तीन, तो मार्कोविट्ज़ में कितनी कैलकुलेशन होगी, थ्री इंटू थ्री प्लस थ्री अपॉन टू, एन इंटू एन प्लस थ्री, राइट। तो जैसे जो कमिंग को भी नाइन कैलकुलेशन, इसमें आ जाइए आप, इसमें होगी थ्री इंटू थ्री प्लस टू, इसमें होगी 11 कैलकुलेशन। अभी तो देखो शार्प में जा गए। अब लेते हैं नंबर ऑफ सिक्योरिटी, देखिए आपकी 5 है, इसकी कैलकुलेशन हो जाएंगी फाइव इंटू फाइव प्लस थ्री अपॉन टू, तो ये आर 20 कैलकुलेशन। और इसमें हो जाएंगी आपकी थ्री एन एन जो फाइव प्लस टू, इसकी कैलकुलेशन है 7 के। अब देखो इसमें कम रहेगी आप, मीन्स जैसे जैसे नंबर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ेंगी पोर्टफोलियो में, वो शार्प की कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाएगी, मार्कोविट्ज़ की बढ़ती जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में या जो बड़े पोर्टफोलियोज होते हैं, वो शार्प मॉडल जो है वो ज़्यादा बेटर होता है। तो लेटेस्ट ही अब कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल लेटेस्ट, एग्जाम्पल नंबर ये 6, वो एग्जाम्पल 6 ने आपको दिया है, मिस्टर स्ट्रॉन्ग हैज फ्लोइंग पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 5 सिक्योरिटीज। तो इन्वेस्टर के पास एक पोर्टफोलियो है 5 सिक्योरिटीज का। कैलकुलेट स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। तो आपको ना मार्केट की रिटर्न निकालनी है और एक आपको निकालनी है पोर्टफोलियो की। तो देखो पोर्टफोलियो दिया है आपको ऑफ इन्वेस्टर, उसमें आपके पास है नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, वकी डबर है सिक्योरिटी मीन्स स्टॉक, इसके नाम नेम्स हैं ए बी सी डी ई। तो 5 सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो है आपका, उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है आपको, इनिशियल आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, आप लिख सकते हो P0, ये हो गया परचेज प्राइस इन्वेस्टमेंट का। तो जैसे जो 5000 यानी कि 2000, 2500, 4000 and then 10,000, 3500। फिर आपकी है कि आपकी एंड ऑफ पीरियड में कितनी वैल्यू है, बाकी जो इन्वेस्टमेंट एट एंड ऑफ पीरियड 1 मीन्स P1 होगी आपकी वैल्यू, जिसे 7,000, 4,000 एंड 5,000 एंड 12,000 एंड 5,000। सिर्फ इन्वेस्टर ने अब इन्वेस्टमेंट की है, परसेंटेज ऑफ स्टॉक, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें जो आपने मनी इन्वेस्ट की है कितने परसेंट है आपकी वो भी गई है आपको, जिसे जो 20%, 10, 16, 14, 10 to 14, इतने परसेंट आपकी इन्वेस्टमेंट है। उसमें आपको रिटर्न कैलकुलेट करनी है तो मार्केट की, क्योंकि उसमें डिविडेंड नहीं है। मार्केट रिटर्न का फार्मूला बन जाएगा समेशन ऑफ P1 माइनस समेशन ऑफ P0 अपॉन समेशन ऑफ P0, परसेंटेज के लिए इनको कर दो 100, इसका टोटल करके हैं समेशन ऑफ P0, तो इसका टोटल आ जाएगा आपके पास जैसे जो 3 + 2 1 6 4 10 20 25 हो गए, एंड दिस टोटल 11 5 16 16 एंड 28 33 हो गए। तो आपकी रिटर्न आ गई अब 33 - 25 अपॉन 25 हो गए इनको हो गए, सो 8,000 अपॉन 25, 8,000 अपॉन 25,000 इंटू 100, 32%। ये को है मार्केट की रिटर्न। मार्केट में हमने क्या किया, कुछ मेंशन नहीं किया, जो सिक्योरिटीज आपके पोर्टफोलियो में है इतनी वही सारी मार्केट में प्रेजेंट है, उसका टोटल कीजिए, वे मार्केट की वैल्यू आ जाएगी, उससे मार्केट की रिटर्न आ जाएगी। अब आपको निकालनी है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो है, उसका फार्मूला है रिटर्न ऑफ वी सिक्योरिटी इंटू वेट, उसका समेशन। वेट आपको दिए हैं, आप पहले कैलकुलेट कीजिए रिटर्न ऑफ ई सिक्योरिटी। तो रिटर्न का देखो फार्मूला क्या है, रिटर्न ऑफ ई सिक्योरिटी गेटिंग P1 माइनस P0 अपॉन P0। अब आपको सिंगल सिक्योरिटी की रिटर्न निकालनी है, तो 7,000 माइनस 5,000 2,000 अपॉन 5,000 टू 100 40%, ये रिटर्न आपकी परसेंटेज में आएगा। तो 4 - 25 1500, जिसे 1500 डिवाइडेड बाई 2500 60%, यानी 5 - 4 20%, 12 - 10 20%, एंड जिसे 5 - 3500 1500 अपॉन 3500 इंटू 100, जिसे जो 42.86%। अब आपके वेट दिए हैं, आप उसमें पुट कर दीजिए, रिटर्न आ जाएगी, एक्चुअल रिटर्न है ये पोर्टफोलियो की 40% रिटर्न, वेट है आपका 0.2 प्लस 60.1 प्लस 20.16 प्लस 20.4 प्लस 42.86.14। दिस विल बी अवर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो ये आपकी आ रही है जैसे 8% प्लस 6 प्लस 3.2 प्लस 8 प्लस 42.86 इंटू 0.146। सो टोटल रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 12 8 20 28 31.2%। अब ये इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की रिटर्न आई। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करेंगे। PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, इन सारे उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटली फ्री है यूट्यूब पर।